Royalla Pulusu Prawn Curry is one of the most popular dishes of Andhra cuisine. वैसे बनाना तो काफी easy है, but कभी कभार जो prawns होता है वो overcook हो जाता है, so that need to be paid attention to. तो आज मैं आपको बताऊंगी the exact method, texture and the consistency of this curry. और उसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगी how to add an enhanced flavour to this dish and to make a perfect bowl of prawn curry Andhra style. तो चलिए बनाते हैं. सो आंध्रा प्रॉन करी बनाने के लिए हमें चाहिए प्रॉन्स, मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स, ऑयल, मैगी मसाला ए मैजिक, अनियंस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमेटोस एंड थिक टैमरिंड पल्प. प्रॉन्स को पील करने के बाद ये जो काला धागा है उसे निकाल दीजिए. दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप. तो प्रॉन्स तो हो गया क्लीन, नाउ लेट्स स्टार्ट द कुकिंग. तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे. अब चाहे तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ हेल्दी फैट्स इन इट, सो इट विल मेक द डिश इवन हेल्दियर एंड ऑल्सो विल इम्पार्ट एन अमेजिंग फ्लेवर. सो तेल यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो गया है. अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स. द स्प्लटरिंग ऑफ द मस्टर्ड सीड्स इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर एंड इफ यू लाइक कुकिंग यू वुड रिलेट टू दिस. थोड़ा सा कड़ी पत्ता, लविंग दिस साउंड इज वेल. बारीक कटा हुआ प्याज और इसे सॉटे कर लेंगे. वी डोंट हैव टू सॉटे इट टू मच, वी जस्ट हैव टू सॉटे इट टिल इट्स सॉफ्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट. दिस जनरली टेक्स अबाउट अ मिनट, नॉट मोर देन दैट. तो ये हल्के से सॉफ्ट और ट्रांसल्यूसेंट हो गए हैं. अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशली ग्राउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट. जिंजर गार्लिक को हमें तब तक सॉटे करना है जब तक जो इसका रॉ स्मेल है वो चला ना जाए. तो दिस इज डन. अब हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप टमाटर और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे. टमाटर को फाइनली चॉप करने से जो उसका कुकिंग होता है वो जल्दी हो जाता है. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू कुक इट टिल जो टमेटोज है वो सॉफ्ट और पल्पी हो जाए और जो थोड़ा तेल है वो साइड में छूटने लग जाए. सच एन ईजी रेसिपी नो. सो द टमेटोज आर लुकिंग अमेजिंग, दे हैव बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी एंड एज यू कैन सी जो थोड़ा सा ऑयल है वो भी सेपरेट होने लग गया है. अब हम इस पर डालेंगे मैगी मसाला ए मैजिक. क्योंकि इसमें 10 रोस्टेड स्पाइसेस का यूनिक ब्लेंड है, इट एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ द डिश अ लॉट, स्पेशली इन अ डिश लाइक दिस विच अदरवाइज हैज सिंपल इंग्रेडिएंट्स. तो हमने इसमें मसाला डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो ये हो गया अच्छे से मिक्स. अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी खटास. आई एम एडिंग टैमरिंड पल्प यानी कि इमली का पल्प और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे. अभी इसे ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिला देंगे जब तक जो सारा मिक्सचर है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए. अब इसे हमें मीडियम आंच पे बॉईल होने देना है. तो अब जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल हो रहा है ये. अब हम इसमें डालेंगे प्रॉन्स. आप चाहें तो आप इसमें जंबो प्रॉन्स या टाइगर प्रॉन्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई पर्सनली प्रेफर द स्मॉल प्रॉन्स बिकॉज दे टेस्ट बेटर. तो हमने डाल दिया इसमें प्रॉन्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. तो ये हो गया मिक्स. तो ये कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्टली कुक्ड है कि नहीं? यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि जो उसका टेल का पार्ट है वो थोड़ा सा पिंक होने लग जाएगा एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट इट्स डन. सो दिस विल टेक सम टाइम, सो लेट्स बी पेशेंट क्योंकि बहुत ही अच्छा डिश बन रहा है. तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं. विल क्विकली गिव इट अ स्टर एंड दी अरोमा इज जस्ट अमेजिंग. आई कॉन्ट वेट टू ट्राई दिस. और एक बात, अगर आप चाहते हो तो यू कैन सब्सटीट्यूट द टैमरिन विद सम लेमन जूस बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो प्रॉन्स परफेक्टली कुक लग रहे हैं एंड ऑल्सो द कलर ऑफ द ग्रेवी इज लुकिंग अमेजिंग. हमने इसमें नमक नहीं डाला है बट लेट मी चेक कि ज़रूरी है या नहीं. द प्रॉन्स हैव कुक्ड परफेक्टली और जो ग्रेवी है उसे बहुत ही अच्छा टैंगी स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है. आप चाहते हैं तो आप इसमें अभी नमक डाल सकते हैं बट दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी बिकॉज हमने जो मैगी मसाला या मैजिक डाला है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है. सो दिस इज़ गुड. तो ये तो बन गया. गैस हम बंद कर देते हैं और क्विकली प्लेट कर देते हैं. यूजुअली वन मीडियम साइज्ड बोल ऑफ दिस डिश इज़ गुड फॉर वन पर्सन.
आप इस डिश को सर्व कर सकते हैं स्टीम राइस के साथ एंड अ बोल ऑफ सैलड फॉर अ होलसम मील. Let's do a quick recap of this recipe. Heat oil in a pan, add mustard seeds, and when they splutter, add the curry leaves. Add the onions and saute till soft and translucent. Add the ginger garlic paste and fry till the raw smell goes. Add the tomatoes and saute till the tomatoes are cooked and oil starts separating. Add Maggi masala in magic and fry for a minute. Add the tamarind pulp and water and bring to a boil. Add the prawns and simmer for 8 to 10 minutes. Serve hot with steamed rice. आप इस डिश को एक यमी प्रॉन इग्रू ट्विस्ट दे सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड फॉर मोर सच एक्साइटिंग एंड अमेजिंग रेसिपीज जस्ट लॉग ऑन टू मैगी डॉट इन.